ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि अष्टार्थदेशधारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 37 पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षत्रम् एतस्य बाहवा क्षत्रम् एतस्य बाहवा पुरवोर्वैश्यो भगवता पुरवोर्वैश्यो भगवता पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत Translation: The brahmanas represent his mouth, the kshatriyas his arms, the vaishyas his thighs, and the shudras are born of his legs. तो हमने पिछले श्लोक में देखा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यस्य हा यवेद लोकान कल्पयन्ति मनीषिना कत्यर आदिबीर अदा सप्ता सप्त्रो दवन जगान दिवी. तो बताते हैं कि बहुत सारे ज्ञानी हैं, वो भगवान के विराट रूप की कल्पना करते हैं. तो ये हमने कल चर्चा किया कि भगवान का विराट रूप एक काल्पनिक रूप है जो लोग कल्पना करते हैं. तो वो विराट रूप के यहाँ पे वर्णन है, द ब्राह्मणस रिप्रेजेंट इज माउथ पुरुषस्य मुखम ब्रह्म. ये विराट रूप के जो मुख है वो ब्राह्मणा है. क्षत्रम एतस्य बाहुः, तो क्षत्रिय जो है भगवान विराट रूप के बाहु है. उरवोर वैश्यो भगवत, द वैश्यास आर हिज थाइस, तो वैश्य जो है भगवान के जांगा है, थाइस है, कुरु. एंड पद्भ्याम शूद्रो विजायत, तो शूद्रास आर बॉर्न ऑफ हिज लेग्स. तो ऐसा कल्पना है कि शूद्र भगवान विराट रूप के पैर है. परपोर्ट: ऑल लिविंग बीइंग्स आर स्टेटेड टू बी पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड हाउ दे आर सो इज एक्सप्लेन्ड इन दिस वर्स. तो ये विराट रूप की जो कल्पना है उसका उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हरेक जीव और हरेक जो लोग हैं, आगे जाके लोगों का वर्णन आएगा, भगवान के ही अंग हैं. इसलिए ब्राह्मणा जो है विराट रूप के मुख हैं, क्षत्रिय बाहु हैं विराट रूप के. तो कहने का मतलब है एवरी वन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. हरेक जो जीव है भगवान का ही अंश है. द फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, नेमली द इंटेलिजेंट क्लास द ब्राह्मणास, द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास द क्षत्रियस, द मर्केंटाइल क्लास द वैश्यास, एंड द लेबरर क्लास द शूद्रास, आर ऑल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लॉर्ड. तो ब्राह्मणा मतलब जो बुद्धिमान श्रेणी के हैं, इंटेलिजेंट क्लास. क्षत्रिय मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करते हैं उनको क्षत्रिय बोलते हैं. द वैश्यास आर द मर्केंटाइल क्लास, जो बिजनेस करते हैं वो वैश्य है. एंड द लेबरर्स, जो काम करते हैं वो शूद्र हैं. पर यहाँ पे सबसे मुख्य पॉइंट क्या है कि
कि कौन सा भी वर्ण रहेगा या कौन सा भी आश्रम रहेंगे, हर एक व्यक्ति भगवान का ही अंग है कि नहीं? हम बोल सकते हैं क्या कि पैर श्रेष्ठ नहीं है, हाथ श्रेष्ठ है? नहीं, हर एक अंग का एक कार्य होता है, एवरी पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी कोविड के लॉकडाउन पीरियड में जब शुरू हुआ था, बहुत सारे वर्कर क्लास अपने गांव चले गए, लेकिन एवरीवन लेफ्ट एंड वेंट, तो सब बिजनेस तब पड़ गया। जब तक आए नहीं, द एंटायर थिंग क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का काम है, कोई बोल नहीं सकता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसान अपना खेती बंद करेगा तो बिजनेसमैन खाएंगे क्या? व्हाट विल दी जो ब्राह्मणा है वो खाएंगे क्या? इसलिए हर एक व्यक्ति का कार्य इंपॉर्टेंट है। तो ये समझना है कि भगवान ने हमारे शरीर और मन को एक रूप से बनाया है, साइकोफिजिकल नेचर, कर्म के अनुसार। तो वो कर्म के अनुसार हमको काम करना है, पर हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, एवरी वन इज इंपॉर्टेंट। जैसे चैतन्य लीला में ये आता है, महाप्रकाश लीला होती है, चैतन्य महाप्रभु विष्णु के आसन पर बैठते हैं और सब भक्त आके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो वहाँ पे श्रीवास ठाकुर के घर में ये कहानी होती है, ये लीला। तो वहाँ पे श्रीवास ठाकुर की एक नौकरानी थी, मेन सर्वेंट, जिसका नाम था दुखी। तो वो क्या करती थी, गंगा से पानी लेके बाकी भक्तों को देती थी, क्योंकि उसका जन्म ऊंचे कुल में नहीं हुआ है, वो अभिषेक सामने से नहीं कर रही है, पीछे से पानी लेके दे रही है। पर चैतन्य महाप्रभु उसको नोटिस करते हैं और बोलते हैं कि आज से आपका नाम सुखी नहीं दुखी रहेगा। तो सॉरी, दुखी नहीं सुखी रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन सा भी वर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति। किब विप्र किब न्यासी शूद्र केन न्याय सही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु हो। कि कोई विप्र है, कोई सन्यासी है या कोई शूद्र भी है, वो कृष्ण तत्व को जानता है तो ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है। As such, no one is different from the Lord. तो अर्थ है कि हर एक व्यक्ति भगवान का एक अंग है। The mouth of the body and the legs of the body are non-different constitutionally, but the mouth or the head of the body is qualitatively more important than the legs. तो हर एक अंग शरीर का महत्वपूर्ण है, फिर भी ये चारों में से सर या मुख, जो सर है, पैर है, हाथ है और जांगा है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण फिर भी सर ही है। लेकिन हाथ नहीं रहेगा काम चल सकता है, पर सर नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, काम चल ही नहीं सकता। इसीलिए ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, बिकॉज ब्राह्मणास गिव विजन। ब्राह्मण विजन देते हैं, बुद्धि देते हैं समाज को। एट द सेम टाइम the mouth, the legs, the arms and the thighs are all component parts of the body. तो हालांकि ब्राह्मण जो वर्ण में से ब्राह्मण श्रेष्ठ है और आश्रम में से सन्यासी श्रेष्ठ है, तो इन दोनों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों का निंदा करो। नहीं, हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। पंडिता समदर्शिना, तो भगवान गीता में बोलते हैं कि जो लोग देखेंगे कि हर एक शरीर में कौन सा भी प्राणी रहेगा, ब्राह्मण का कि शूद्र का पशु का, हर एक शरीर में आत्मा निवेश करता है, भगवान का अंश निवेश करता है, हर एक व्यक्ति को सम्मान देता है। सकले सम्मान खोरीते शकति देव नाथ जत जत। तो ये प्रार्थना आता है गुरुदेव करके, तो ये आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं हर एक व्यक्ति को सम्मान कर सकूँ, सो दैट आई कैन रिस्पेक्ट एवरीवन। The limbs of the body are meant to serve the complete whole. The mouth is meant for speaking and eating. The arms are meant for the protection of the body. The legs are meant for carrying the body. And the waist of the body is meant for maintaining the body. तो हर एक जो अंग है शरीर का महत्वपूर्ण है, वैसे ही समाज का ये सब जो अलग अलग अंग है, everything is important. जो मुख से हम बोलते हैं, खाते हैं, मुंह का दो काम है, बोलना और खाना। देन आर्म्स, हाथ का कार्य है रक्षण करना, इसलिए क्षत्रियों का कार्य है रक्षण करना, और ब्राह्मणों का कार्य है लोगों को ज्ञान देना, आध्यात्मिक ज्ञान। द लेग्स आर मेंट फॉर कैरिंग द बॉडी,
तो शूद्र उनका कार्य है समाज को लेके जाना, जो एक्चुअल फिजिकल वर्क है वो करना, एंड द वेस्ट ऑफ द बॉडी इज मेंट फॉर मेंटेनिंग, और जो कमर है या जो पेट है पूरे शरीर को मेंटेन करता है. द इंटेलिजेंट क्लास एंड सोसाइटी देयरफॉर मस्ट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द बॉडी एज वेल एज टू एक्सेप्ट फूड स्टफ्स टू सैटिस्फाई द हंगर ऑफ द बॉडी. तो इसलिए बुद्धिमान श्रेणी के जो लोग हैं ब्राह्मणों का दो कर्तव्य है, प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं, पहला कि बात करना, कृष्ण कथा करना, ये ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य है, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भागवतम में भी वर्णन आता है तीसरे स्कंद में कि ब्राह्मण को भोजन देते हैं. क्यों? क्योंकि वर्णन आता है ब्राह्मण के मुख से जब भोजन आता है तो कृष्ण संतुष्ट होते हैं, तो ब्राह्मणों को ये कार्य है, इसलिए बोला जाता है ब्राह्मण भोजन प्रिय. तो ब्राह्मण भोजन के प्रिय है, इसलिए ब्राह्मण को संतुष्ट कर रहे हैं तो उनको प्रसाद दे दो. द ब्राह्मण ऑफ द इंटेलिजेंट क्लास मस्ट बी वेरी एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग सच सैक्रीफाइसेस एंड द सबॉर्डिनेट क्लासेस मस्ट जॉइन इन सच सैक्रीफाइसेस. तो ब्राह्मणों का कार्य है यज्ञ करना, और बाकी लोग जो शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य इत्यादि, वो यज्ञ में भाग लेने चाहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. टू स्पीक फॉर द सुप्रीम लॉर्ड मीन्स टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड बाई मीन्स ऑफ प्रोपगेटिंग द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड एज इट इज ब्रॉडकास्टिंग द फैक्चुअल नेचर ऑफ द लॉर्ड एंड द फैक्चुअल पोजिशन ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द होल बॉडी. तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है पठन पाठन यजन याजन, गीता में भगवान वर्णन करते हैं पठन पाठन मतलब शास्त्र पढ़ना और दूसरों को समझाना, यजन याजन यज्ञ करना और करा के लेना. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भगवान के बारे में गुणगान करना, क्योंकि बुद्धि दिया है भगवान ने ब्राह्मणों को, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र का निचोड़ समझना और सरल भाषा में लोगों को बताना, तो ये ब्राह्मणों का कार्य है, यूजिंग देयर इंटेलिजेंस टू ग्लोरीफाई कृष्ण. द ब्राह्मणास देयरफॉर आर रिक्वायर्ड टू नो द वेदास और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज. इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य है वेद को जानना है. तो वर्णन आता है जन्मा जायते शूद्रो संस्कारा भवेद द्विज वेद पतनात् भवेद ब्राह्मण ब्रह्म और वेद पतनात् भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण. तो वर्णन आता है जन्मा जायते शूद्रो, जन्म से हरेक व्यक्ति शूद्र होता है, कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, जन्म से हरेक व्यक्ति शूद्र होता है. संस्कारात् भवेद द्विज, जब संस्कार होते हैं उसकी जिंदगी में अलग अलग संस्कार, उपनयन संस्कार इत्यादि, द्विज द्विज बोलते हैं ऐसे ब्राह्मणों को. वेद पतनात् पतेत विप्र, जब वेद पढ़ता है उसको विप्र बोलते हैं. और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जब भगवान सत्य को सही रूप से जान लेता है ऐसा व्यक्ति को ब्राह्मण बोलते हैं. तो ब्राह्मण सिर्फ वो जनेऊ पहनने से नहीं होता, दो पैसे का जनेऊ वो कोई भी पहन सकता है. ब्राह्मण मतलब ज्ञान होना चाहिए, वेद जानना चाहिए. वेद मीन्स नॉलेज एंड अंत मीन्स द एंड ऑफ इट. तो ब्राह्मणों को वेद जानना चाहिए, और सिर्फ वेद नहीं, वेद का अंत, वेदांत, द एंड ऑफ वेदस, वेद का जो सारांश है उसको समझना चाहिए. अकॉर्डिंग टू भगवद्गीता द लॉर्ड द सोर्स ऑफ एवरीथिंग अहम सर्वस्य प्रभवो and thus the end of all knowledge Vedanta is to know the Lord, to know a relationship with Him and to act according to that relationship only. तो वेद का सारांश है भगवान को जानना. अहम सर्वस्य प्रभवो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. वेद का अंत है ये जानना कि भगवान कृष्ण सार है. वेदांत इष्ट नो कृष्ण, कृष्ण को समझ गए तो वेद को समझ गए. वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम. तो कृष्ण गीता के 15वां अध्याय 15वां श्लोक में बोलते हैं कि वेद मेरे से ही आया है और वेद का लक्ष्य है मुझे जानना. तो इसलिए जो भगवान को जानता है और भगवान के साथ उसका संबंध क्या है वो जानता है और वो संबंध के अनुसार जीता है ऐसा व्यक्ति को ब्राह्मण बोलते हैं. भगवान को जानना, संबंध क्या है, हम भगवान के दास हैं और ये संबंध
कि स्तरत कैसे जिए भक्ति के जीवन से। तो जब व्यक्ति भगवान को जानता है, भक्ति मार्ग का पालन करता है और स्वयं भक्त बनने का प्रयास करता है, तभी वो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिलेटेड टू द बॉडी, सिमिलरली द लिविंग बीइंग मस्ट नो हिज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो हर एक अंग शरीर का एक अंग है, जो पार्ट अंग का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा, ठीक है। हमारे उंगली है शरीर के अंग है, उंगलियों का काम है पूरे शरीर की सेवा करना। वैसे ही हम सब जीवात्मा है, हम सब भगवान के एक अंग है। अलग अलग अंग होंगे, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, पर हम सब भगवान के अंग है। अंग का कर्तव्य क्या है? पूर्ण की सेवा, समसिद्धि हरितोषणम, वो अंग का कर्तव्य है। विदाउट नोइंग दिस रिलेशनशिप, सॉरी, द ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर दिस पर्पस, नेमली टू नो द फैक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ एवरी लिविंग बीइंग विद द सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मन के बारे में जिज्ञासा करने के लिए और वापस ये जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए। तो इसलिए ये मार्ग को योग बोलते हैं। योग का मतलब है जोड़ना। तो ये संबंध जो छूट गया है हमारा भगवान से बिछुड़ गए, अलग हो गए हैं, वो संबंध को वापस स्थापित करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। विदाउट नोइंग दिस रिलेशनशिप द ह्यूमन लाइफ इज स्पॉइल्ड। तो भगवान के साथ ये संबंध जाने बिना और ये संबंध के स्तर पे जिंदगी जिए बिना मनुष्य जिंदगी व्यर्थ है। राधा मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषखाइए। मनुष्य जन्म मिलके हम राधा कृष्ण की भजन नहीं करेंगे, हमारा जो संबंध है, अभिधेय है, प्रयोजन है, वो प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। जानिया सुनिया विषखाइए, जानते हुए विष पीना, ये मनुष्य जन्म व्यर्थ हो गया। The intelligent class of men, the brahmanas, are therefore especially responsible for broadcasting this knowledge of a relationship with the Lord and leading the general mass of people to the right path. तो इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है? ये जो ज्ञान है प्रकाशित करना, ब्रॉडकास्ट करना। जैसे लोग करते हैं ना, न्यूज चैनल में ब्रॉडकास्ट होता है, अलग अलग लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने मैसेजेस को, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये संदेश। लोग इतना जोरों से अपना न्यूज चैनल ब्रॉडकास्ट करते हैं, डिबेट ये वो, अरे वो सब सुन के किसी का फायदा नहीं होने वाला। आप न्यूज सुने न सुने, दुनिया तो चलते रहने वाला है, आपके न्यूज सुनने से क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है भगवान के बारे में ज्ञान। इसलिए ये ज्ञान का जो प्रचार है, प्रसार है, वो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। भगवान ने बुद्धि दिया है शास्त्र समझ के, शास्त्र का निचोड़ सामान्य जनता तक पहुंचाना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ब्राह्मण। तो हर एक व्यक्ति, ये समाज के कौन सा भी अंग में रहेंगे, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? अपने कार्य के माध्यम से, अपने क्षमता के अनुसार भगवान की गुणगान। तो ब्राह्मण कैसे करते हैं? शास्त्र पढ़ के और दूसरों को शास्त्र सुना के। द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ मेन इज मेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द लिविंग बीइंग सो दैट दे कैन सर्व दिस पर्पस। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है शास्त्र के ऊपर प्रवचन देना, लोगों को शास्त्र के ऊपर समझाना और लोगों को प्रोत्साहन देना भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? लोगों की रक्षा करना ताकि लोग भक्ति करने के लिए उनका वातावरण अनुकूल रहे, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड क्षत्रियस। तो जैसे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ ना, हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना प्राण त्याग लिया स्वतंत्रता पाने के लिए। क्यों स्वतंत्रता चाहते थे? ताकि भारत के लोग मुक्त होकर ब्रिटिश से अपना धर्म का पालन कर सके, भक्ति के धर्म का पालन कर सके। वो क्षत्रिय का कर्तव्य है। जैसे महाराष्ट्र एरिया में शिवाजी महाराज हुआ करते थे, इतना झगड़ा किया उन्होंने, इतना साहस के साथ, ताकि लोग धर्म का पालन कर सके। तो वो क्षत्रियों का कार्य क्या है? लोगों की रक्षा करना, सो दैट पीपल कैन प्रैक्टिस धर्म पीसफुली। ऐसा नहीं कि क्षत्रियों का काम है सब रक्षा करना ताकि समाज बैठ के टीवी देख सके, वो क्षत्रियों का कार्य नहीं है। रक्षा करो ताकि जो लोग सुरक्षित हैं अंदर, वो जाके भक्ति करें।
The administrative class is meant for protecting the living being so that they can serve this purpose. The mercantile class is meant for producing food grains and distributing them to the complete society so that the whole population is given a chance to live comfortably and discharge the duties of human life. जो mercantile class है, जो वैश्य community है, उनका कर्तव्य है अनाज की उत्पन्न करना, business चलाना, ताकि लोगों को सुविधा हो सके, क्योंकि अगर भोजन नहीं है तो वजन नहीं होगा, है कि नहीं? पेट खाली है तो वजन नहीं होगा, तो वो भी चाहिए, तो वो वैश्य का काम है, अन्न की उत्पन्न करना, you know, अलग-अलग business कराना, ताकि जो लोग समाज है, सामान्य समाज अच्छे से रह सके और भक्ति में उनका मन लगे, समझ रहा है ना? The whole purpose is कृष्णा, कृष्ण को संतुष्ट करना. वर्णाश्रम का पूरा पर्पस है कृष्ण केंद्र में. अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कुछ उपयोग ही नहीं है. तो कृष्ण केंद्र में होने इंपॉर्टेंट है. द mercantile class is also required to give protection to the cows in order to get sufficient milk and milk products, which alone can give proper health and intelligence to maintain a civilization perfectly meant for knowledge and the ultimate truth. तो वैश्य का और एक जो कम्युनिटी है, mercantile community, उनका और एक धर्म है गायों की रक्षा करना, और गायों से जो दूध है और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, घी इत्यादि, उससे लोगों का सेहत भी अच्छे से रहे, क्योंकि अगर भोजन नहीं है तो वजन नहीं होगा, और स्वास्थ्य खराब है तो फिर भी वजन नहीं होगा, है कि नहीं? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर अलग अलग चीज बताते हैं भक्तों के लिए, साधना, सेवा इत्यादि. पर पहला चीज भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं स्वास्थ्य, कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सेवा क्या करेगा, भजन क्या करेगा, साधना क्या करेगा. फिर स्वास्थ्य रखना इंपॉर्टेंट है. स्वास्थ्य के लिए गायों की रक्षा, गायों की रक्षा, और गायों का जो दूध है, गोमूत्र इत्यादि, उससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा. तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उत्तरदायित्व मर्केंटाइल कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी का है. एंड द लेबरर क्लास हु आर नीदर इंटेलिजेंट नॉर पावरफुल कैन हेल्प बाय फिजिकल सर्विसेज टू द हायर क्लासेस एंड थस बी बेनिफिटेड बाय देयर कोऑपरेशन. और जो शूद्र क्लास है, उनका कर्तव्य है बाकी लोगों की सेवा करना. अरे हर एक व्यक्ति अपना बुद्धि लगाता रहेगा, कौन पालन करेगा? हर एक व्यक्ति बोलेगा मैं ऑर्डर दूंगा, अरे तू ऑर्डर देगा, फॉलो कौन करेगा, है कि नहीं? तो फॉलो करने के लिए भी कोई चाहिए, है कि नहीं? तो हर एक व्यक्ति फॉलो ही करेगा, ऑर्डर कौन देगा? तो एवरीवन इज नीडेड, समाज में हर एक व्यक्ति की जरूरत है. प्रवचन किसी को देना है तो सामने बैठने वाला कोई चाहिए, है कि नहीं? तो भगवान ने ऐसे अरेंज किया है, हर एक का एक पोजीशन है. इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं स्थाने स्थित श्रुति कथाम तनुवा मनोमी, जहां पे है भगवान ने जो स्तर दिया हमको, उस स्तर को स्वीकार करो और फोकस किस पे करो, भजन करने में फोकस करो. श्रुति कथाम तनुवा मनोमी, आप कोई भी हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? श्रुति कथाम तनुवा मनोमी, भगवान के बारे में कथा श्रवण कीर्तन, वो महत्वपूर्ण है. Therefore, the universe is a complete unit in relationship with the Lord, and without this relationship with the Lord, the whole human society is disturbed and is without any peace and prosperity. तो इसलिए ये विराट रूप के वर्णन से हमको क्या समझ में आता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है और जितने भी लोक हैं और जितने भी मनुष्य हैं, ये complete unit है, एक पूरा एक अंग है भगवान के संबंधित. तो ये संबंध को अगर हम भूल गए, मनुष्य समाज भूल गया भगवान के साथ संबंध, तब क्या होगा? मनुष्य समाज में सिर्फ झगड़ा ही होगा, देयर ओनली बी फाइट्स, शांति कभी होगा नहीं. इसलिए यूनाइटेड नेशंस, सब देशों को एक साथ रहना है, सब लोगों को एक साथ रहना है, तो कृष्ण केंद्र में रखना इंपॉर्टेंट है. अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है, हमारा अहंकारी केंद्र में है, झगड़ा होगा, तो ये वर्णाश्रम टूट क्यों गया? ब्राह्मणों को लगने लगा मैं श्रेष्ठ हूं, और शूद्रों को लगने लगा अरे हम काम करते हैं, इनको क्यों सम्मान देना है, विरोध करो, रिवोल्ट करो, स्ट्राइक करो. तो ऐसा झगड़ा होता रहता है. क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रख रहा है. पर अगर हम भगवान को केंद्र में रखेंगे तो जितने भी डिफरेंस है उसको सॉल्व करके हम आगे जाएंगे.
right? If you have Krishna in the center. This is confirmed in the Vedas. Brahmano syan mukam asit bahu rajnavya kritah. तो ये वेद में भी ये जो श्लोक है उसका वर्णन है कि ब्राह्मणों स्यान मुकाम आसित, ब्राह्मण जो है भगवान के मुख हैं, और बाहु राजन्य कृतः, जो राजा है जो क्षत्रिय है भगवान के बाहु हैं। वी विल रीड द नेक्स्ट श्लोक टेक्स्ट 38। भूलोक कल्पिता पद्भ्याम भूलोक कल्पिता पद्भ्याम भुवनलोकस्य नाभितः भुवनलोकस्य नाभितः ऋतास्वरलोक उरसा ऋतास्वरलोक उरसा महरलोक महात्मना महरलोक महात्मनः। ट्रांसलेशन: द लोन प्लैनेटरी सिस्टम्स अप टू द लिमिट ऑफ द अर्थली स्ट्रैटम आर सेड टू बी सिचुएटेड इन हिज लेग्स. The middle planetary systems, beginning from Bhuvan Loka, are situated in his navel, and the still higher planetary systems, occupied by the demigods and highly cultured sages and saints, are situated in the chest of the Supreme Lord. तो एक विराट रूप का एक दृष्टिकोण पहले श्लोक में देखा हमने. ब्राह्मण विराट रूप के मुख हैं, क्षत्रिय बाहु हैं, शूद्र पैर हैं, और जो वैश्य है जांगा है. तो यहाँ पे और एक वर्णन आ रहा है अलग अलग लोकों का. तो यहाँ पे वर्णन है भूलोक कल्पिता पद्भ्याम. तो तीन कैटेगरी के लोक हैं: लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम, अपर प्लैनेटरी सिस्टम. इसको भूर भूवर स्वर, गायत्री मंत्र में भी आता है ना, भूर भूर भूवर स्वर. तो भूर का मतलब है लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, भूलोक कल्पिता पद्भ्याम. तो ये विराट रूप के जो भूलोक है लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, उनके पैर जैसे हैं विराट रूप का. भूवर लोक से नाभित, तो जो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम है दे आर सिचुएटेड इन हिज नेवल, भगवान के नाभि पे स्थित है. हृदा स्वर लोक उरसा महर लोक महात्मना, और जो स्वर लोक है और महर लोक है ऊंचे के जो लोक है वो भगवान विराट रूप के छाती है. परपोर्ट: There are 14 spheres of planetary systems within the universe. तो 14 लोक हैं. The lower systems are called भूर लोक, the middle systems are called भूवर लोक, and the higher planetary systems up to ब्रह्म लोक, the highest planetary system of the universe is called स्वर लोक. तो जो नीचे के लोक हैं उनको भूर लोक बोलते हैं, middle planetary systems भूवर लोक, और ऊंचे के लोक जो ऊंचे लोक हैं स्वर्ग लोक, महर लोक, सत्यलोक तक, वो सबको स्वर लोक बोलते हैं. एंड ऑल ऑफ देम आर सिचुएटेड ऑन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड. इन अदर वर्ड्स, नो वन विदइन दिस यूनिवर्स इज विदाउट अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड. तो हर एक लोग भगवान विराट रूप के अंग पे ही स्थित है. तो पिछले श्लोक का और ये श्लोक का सारांश है कि जितने भी लोक हैं और जितने भी जीव हैं निवास करते हैं, हर एक भगवान से ही कनेक्टेड है. एवरी वन इज कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम, भगवान के संबंधित में हम सबका अस्तित्व है. इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति प्रच्छति. तो ये पीस फॉर्मूला प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में बताया कि भगवान के साथ संबंध जाने बिना ये दुनिया में शांति नहीं होगा. तो शांति का ये फॉर्मूला है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि कृष्ण सबके सबसे ऊंचे श्रेष्ठ भोक्ता है और हमारा कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण के भोग में मदद करना. भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, और जितने भी यज्ञ हैं तपस्या है वो सबके स्वामी कृष्ण है. सर्वलोक महेश्वरम, आप भूलोक में हैं, भूवर लोक में हैं, स्वर लोक में हैं, सर्वलोक महेश्वरम तीनों लोकों के स्वामी कृष्ण ही है. अखिल रसामृत मूर्ति, पूरे ब्रह्मांडों के नायक कृष्ण है. तो ऐसे कृष्ण के जब हम संतुष्टि करेंगे सुरदम सर्वभूतानाम, और भक्ति करेंगे जानते हुए कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, कृष्ण हमारे हितैषी हैं, ऐसे व्यक्ति को शांति मिलेगा, शांति की प्राप्ति. तो इसलिए प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, नो वन विदइन दिस यूनिवर्स इज विदाउट अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड. हम भगवान के साथ संबंध भूल गए हैं पर वो संबंध मिटता नहीं है. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिये उदय. तो जो कृष्ण प्रेम है नित्य सिद्ध हमेशा हमारे हृदय में है, वो संबंध चला नहीं जाता, हमेशा है.
श्रवणादि शुद्ध चित्त ही करिए उदायु, पर अभी ढक चुका है वो संबंध, पर अगर जब श्रवण कीर्तन करेंगे तो वापस वो संबंध आ जाएगा। जैसे बीज होता है, बीज में पेड़ ऑलरेडी होता है, क्षमता है, पर बीज को आप धरती पे डालो और थोड़ा पानी डालो, ऐसा नहीं कि आप बीज बना रहे हो, पेड़ बना रहे हो, पेड़ का क्षमता ऑलरेडी बीज में है। तो वैसे ही भक्ति का बीज ऑलरेडी है हृदय में, ये जो संबंध है ऑलरेडी है हृदय में, पर जब हमको श्रवण कीर्तन के माध्यम से इनका सिंचन करेंगे ये बीज का, तभी ये बीज पौधा बन के आएगा। तो देन वी विल रियलाइज, उनको समझ में आएगा कि सही में मेरा हमेशा भगवान के साथ संबंध था, थोड़े समय के लिए मैं भूल चुका था। सो टेक्स्ट 39, 31, 3-4 श्लोकास, तो मोस्टली कल सुबह हम कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्ण।